हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सेल वीबीए के डेटा टाइप्स को सीखते हुए आज हम बात करेंगे दो नए डेटा टाइप्स की, जिनका नाम है स्ट्रिंग एंड वेरिएंट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लॉन्ग, सिंगल एंड डबल वेरिएबल्स के बारे में बताया था। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट डेटा टाइप पढ़ने जा रहे हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि इस चैनल पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, और वो भी एक प्रॉपर सीक्वेंस में। अब आपको कोई भी कोर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वन बाय वन एक सीक्वेंस में वीडियोस मिलने जा रही हैं, तो आप वहां से इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के बारे में बताया था। तो ये देखिए, ये कोड है जो हमने लास्ट वीडियो में लिखा था। यहाँ पे मैंने तीन वेरिएबल्स लिए हैं, और तीनों की जो डेटा टाइप ली है वो है इंटीजर। आपको पता है कि इंटीजर दो बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, तो मैंने एक में वैल्यू का डाली है जो मेरे ए वन सेल में वैल्यू है। इट मीन्स ए में वैल्यू है 25, बी में वैल्यू है 20। और ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है, ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। आपके दोनों नंबर्स को ऐड करेगा, सी में आपका रिजल्ट जाएगा, और इस सी की वैल्यू हमने A3 में डिस्प्ले करनी है। ये है मेरी लोकल विंडो। लोकल विंडो के बारे में आप फैमिलियर हैं अगर आप रोज़ मेरी वीडियोस देखते हैं। तो लोकल विंडो की हेल्प से हमें वेरिएबल्स के बारे में पता चलता रहता है कि किस वेरिएबल को क्या डेटा टाइप मिली है और उसमें कितनी वैल्यू प्रेजेंटली स्टोर है। तो अपने कोड को डीबग करते हैं एक बार। तो आप लोकल विंडो की तरफ देखते रहिए। देखिए, यहाँ पे ए वेरिएबल, बी एंड सी तीनों वेरिएबल्स आ चुके हैं, और उनकी टाइप आ चुकी है कि वो एज अ इंटीजर टाइप हमने डिक्लेयर किया है। तो जैसे मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, तो फर्स्ट ए में वैल्यू आ गई 25, सेकेंड स्टेटमेंट की हेल्प से बी में वैल्यू आ गई 20, नेक्स्ट में एग्जीक्यूट करूँगी तो सी में वैल्यू आ गई है 45, और ये वैल्यू किस में आ जाएगी, A3 सेल में। तो आप यहाँ पे शीट में देखिए, A3 सेल में वैल्यू आ चुकी है 45। तो ये कंसेप्ट तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप की, जो कि है स्ट्रिंग। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप कब यूज करते हैं। जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं अपने एक्सेल में, तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट होती है। तो डेटा मेरा अभी प्रेजेंटली यही है, आंसर मैं डिलीट कर देती हूँ। तो इस डेटा के ऊपर अब हम स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। तो जहाँ जहाँ मैंने डेटा टाइप इंटीजर लिखा है, तो मैं लिख देती हूँ स्ट्रिंग। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं इन तीनों का डेटा टाइप स्ट्रिंग ले लेती हूँ, तो क्या आंसर आएगा। तो बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने तो यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है, लेकिन जो मेरा डेटा है वो क्या है, 25 है, 20 है, तो ये कैसे काम करेगा। तो देखते हैं, प्रोग्राम को हम डीबग करते हैं F8 की हेल्प से। लोकल विंडो में ध्यान रखिए, ABC वेरिएबल्स डिक्लेयर हो चुके हैं, और तीनों की जो डेटा टाइप है वो क्या बन चुकी है, स्ट्रिंग। ए में वैल्यू आ चुकी है 25, बी में वैल्यू आ चुकी है 20, लेकिन ये वैल्यू के साथ अगर आप ध्यान से देखिए, डबल कोट्स में ये वैल्यू आई है। और फर्दर मैं इसको डीबग करती हूँ, तो मेरे पास सी में वैल्यू आ गई है 2520। तो आप भी परेशान हो गए, ये क्या वैल्यू आई 2520। वैल्यू मेरे पास कितनी आनी चाहिए, 25 में 20 ऐड किए, दैट इज 45। और ये मेरा आंसर, यहाँ पे मुझे एरर क्यों नहीं मिला। मैंने तो 25 को एज अ स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया, और अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया कि स्ट्रिंग डेटा टाइप हम तब यूज़ करते हैं जब आप कोई टेक्स्ट लिखने जा रहे हैं। 25 तो टेक्स्ट नहीं है आपका, 20 भी टेक्स्ट नहीं है। तो इसके ऊपर जब मैंने इनको एज अ स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, तो वहाँ पे एरर क्यों नहीं आया। और दूसरा पॉइंट, अगर एरर नहीं आया तो ये वैल्यूज थी 25 और 20, और इनको ऐड होके 45 वैल्यू आनी चाहिए थी, ये 2520 वैल्यू क्यों आई। तो बिल्कुल इन दोनों क्वेश्चन के मैं आपको सोल्यूशन अभी देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने वैल्यू लिखी है 25, दो चीज़ें होती हैं आपकी एक्सेल में, एक होती है टेक्स्ट और दूसरा होता है नंबर। अब सपोज़ कीजिए आप कोई एक्सेल फाइल कहीं से इंपोर्ट करते हैं,
या फिर आप मेल के थ्रू मंगवाते हैं, तो जब आप उस एक्सेल फाइल को अपने सिस्टम में स्टोर करते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो डेटा टाइप्स होती हैं, या आप बोल दीजिए कि जो इनका नेचर होती है, वो चेंज हो जाती है। कोई नंबर है वो क्या बन जाएगा, आपका टेक्स्ट बन जाता है। अब ये नंबर है आपका 25, तो देखिए इसके आगे मैं एक, तो अब ये क्या बन गया, जब भी हम एक नंबर लिखते हैं, तो मैंने 25 लिखा तो ये नंबर है, तो ये नंबर आपके सेल के कहाँ चला गया, राइट हैंड साइड में चला गया। लेकिन ये 25 कहाँ पे है, सेल के लेफ्ट साइड में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए एक ये ड्रॉप डाउन एरो आ रही है, तो ये देखिए नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल दो 25 मेरा नंबर था, लेकिन अब जब मैंने इसको यहाँ पे स्टोर किया, वो एज अ टेक्स्ट स्टोर हुआ है। तो जो लोग एक्सेल के बारे में जानते हैं या बिगनर्स भी हैं, उनको पता होता है कि कई बार हम जब फाइल को इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे जो नंबर्स हैं इन दी फॉर्म ऑफ टेक्स्ट स्टोर हो जाते हैं। तो उनकी पहचान आप कैसे करेंगे, अब एक ये 25 लिखा है, ये 25 लिखा है, तो आप कैसे बोलोगे कि ये कोई नंबर है या टेक्स्ट है। देखिए सबसे पहला डिफरेंस ये है कि अगर आपका 25 नंबर है, तो वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा सेल के, कोई भी नंबर आप लिख लीजिए। तो देखिए जैसे मैं नंबर्स लिख रही हूँ, ये मेरे राइट साइड में मूव हो रहे हैं। लेकिन जब कोई नंबर टेक्स्ट बन जाता है, वो आपके सेल के लेफ्ट हैंड साइड में चला जाता है। और ऊपर आप ध्यान से देखिए सेकंड डिफरेंस क्या है, इस सेल में आपको इस तरह का ग्रीन कलर का कुछ भी साइड पे दिखाई नहीं देगा, छोटा सा एरो टाइप, ये देखिए, क्योंकि ये नंबर है। लेकिन ये क्या है, मेरा टेक्स्ट है। जब भी मैं इस सेल पे क्लिक करूंगी, तो देख सकते हैं ये ट्रायंगल शेप में आपके पास एक आइकन बन के आएगा। तो इसने लिखा है कि द नंबर इन द सेल इज फॉर्मेटेड एज टेक्स्ट। ऑल दो ये नंबर था, लेकिन इसकी अब फॉर्मेटिंग किस तरह हो गई है, एज अ टेक्स्ट हो गई है। तो जब ये टेक्स्ट बन गया, तो किन्हीं भी दो टेक्स्ट को आप ज्वाइन करोगे, तो वो बेसिकली कंकेटिनेट होते हैं, एक टेक्स्ट के बाद दूसरा टेक्स्ट आ जाता है। तो यही काम यहाँ पे हुआ है, 25 को उसने एज अ टेक्स्ट ले लिया, क्योंकि हमने उसके डेटा टाइप को लिया था स्ट्रिंग। सिमिलरली 20 को उसने एज अ टेक्स्ट ले लिया, दोनों टेक्स्ट हैं, दोनों टेक्स्ट को उसने क्या किया, कंकेटिनेट करके आंसर दे दिया, सबसे पहले 25 फिर लिख दिया उसने 20। तो एक्सेल अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। तो देखिए ये प्रोग्रामर ने देखना है कि जब भी आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें, तो बड़ा ही ध्यान रखें कि उनकी डेटा टाइप आप क्या दे रहे हैं। अगर आप सीधा ये फाइल किसी को सेंड कर दोगे, तो बेसिकली ये फाइल क्या है, गलत है, क्योंकि तो आपका जो आंसर आ रहा है वो गलत है, राइट। तो इसको अब हम क्या चेंज करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देती हूँ, तो फर्स्ट में मैंने ये वैल्यू दे दी, सेकंड में मैंने ये वैल्यू दे दी, तो अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास क्या आएगा। तो ए हमारा स्ट्रिंग है, बी हमारा स्ट्रिंग है, तो दोबारा से इस कोड को करेंगे डीबग। तो देखिए अब आपके यहाँ पे लोकल विंडो में ए में वैल्यू आ चुकी है लर्नर्स, बी में वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे अकेडमी, और जब ये दोनों ऐड हुए, अब ऐड का काम क्या है, बेसिकली ये प्लस ने क्या किया, इसको कंकेटिनेट कर दिया, जो एंड का सिंबल होता है हमारा, तो ये कंबाइन होके हमारे पास क्या बना, लर्नर्स अकेडमी। तो यहाँ पे आप शीट में देख सकते हैं, तो ये कुछ इस तरह का टेक्स्ट लिख के आ चुका है। तो जब भी आपने कोई टेक्स्ट डेटा टाइप लेनी है, तो उस टाइम पे ध्यान रखिए कि उन सेल्स में आप टेक्स्ट ही एंटर करें। अगर आप कोई नंबर एंटर कर देते हैं, तो उस नंबर को भी एक्सेल ने वीबीए में कन्वर्ट कर देना है। तो ये तो बात थी स्ट्रिंग की। अब जो अगला डेटा टाइप मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो बड़ा ही ज़बरदस्त डेटा टाइप है। ज़बरदस्त होने के साथ साथ में हम उसको बहुत ही कम यूज़ करते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी, ज़बरदस्त है लेकिन कम यूज़ क्यों करते हैं। अब देखिए
ये जो मेरा कोड है, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रही हूँ, आप उसका आंसर माइंड में सोचिए। मुझे एक ऐसा कोड बनाना है कि अगर मैं 25 और 20 डाल दूँ यहाँ पे, तो उसका रिजल्ट आ जाए 45। और अगर मैं कोई टेक्स्ट डाल दूँ, जैसे मैंने लर्नर्स और एकेडमी डाला है, तो उसका जो रिजल्ट है वो लर्नर्स एकेडमी इकट्ठा लिखा है। मीन्स अगर मैं टेक्स्ट डालूँ तो वो कंकेटिनेट हो जाए, लेकिन अगर मैं नंबर्स डालूँ तो वो क्या हो जाए, ऐड हो जाए। तो कोड आपने एक ही रखना है, अलग अलग कोड नहीं यूज करना। ऐसी कई बार सिचुएशन आ जाती है प्रोग्रामर के सामने कि उसको समझ ही नहीं आती कि वो किस तरह का प्रोग्राम डिजाइन करे। देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे नंबर दे देती हूँ ए को, फिर से मैंने 25 और 20 दे दिया एज अ स्ट्रिंग दे दिया, तो क्या होगा, वो उसको कंकेटिनेट कर देगा 25 20, जैसे हमने पहले देखा था। लेकिन अगर मैं इसका डेटा टाइप चेंज कर देती हूँ, तो मैं यहाँ पे अगर इंटीजर दे देती हूँ, तो 25 और 20 को उसने क्या करना है, ऐड कर देना है। तो उसके लिए तो हमारा कोड बिल्कुल सही चलेगा। लेकिन अब देखते हैं इंटीजर के टाइम पे आपका ये कोड क्या करता है। वैल्यू हम लर्नर्स एकेडमी ही रखेंगे अपने कोड में। तो देखिए, इसको करते हैं डीबग। आपके पास अब रन टाइम एरर आया है 13 नंबर, दैट इज टाइप मिस मैच। प्रीवियस वीडियो में हमने एक रन टाइम एरर देखा था जिसका नाम था ओवरफ्लो। तो ये नया रन टाइम एरर है, दैट इज टाइप मिस मैच। अब इसका मतलब क्या है, हमने जो वेरिएबल लिया है उसमें हम इंटीजर डालने वाले हैं, हमने उसको बोल दिया कंपाइलर को कि मुझे ए वेरिएबल रखना है और उसमें मैं वैल्यू किस तरह की डालूंगी, इंटीजर वैल्यू। लेकिन उसमें मैं वैल्यू क्या डाल रही हूँ, टेक्स्ट डाल रही हूँ। तो ये क्या हो गया, आपस में मिस मैच हो गया। कंपाइलर को हमने कुछ और बोला लेकिन उसको दे कुछ और दिया, तो कंपाइलर ने हमें एरर दे दिया, दैट इज टाइप मिस मैच। तो इसको कैसे ख़त्म करेंगे, इसको स्ट्रिंग बनाएंगे। लेकिन दिक्कत फिर से वही है, अगर मैं इसको स्ट्रिंग बना देती हूँ तो उस टाइम पे आपके जो कंकेटिनेशन है वो नंबर्स की भी हो जाएगी। तो इसीलिए एक नया डेटा टाइप मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ जिसका नाम क्या है, वेरिएंट। वेरी करता है। वेरिएंट एक ऐसा डेटा टाइप है वीबीए में जिसको वीबीए बड़े अच्छे से यूज़ करता है। वीबीए अपनी समझदारी से समझता है कि आप क्या दे रहे हैं, और जो चीज़ें आप वीबीए को दे रहे हैं, जिस तरह का आप डेटा उसको दे रहे हैं, उसके हिसाब से वो चीज़ क्या है, क्या वो स्ट्रिंग है, क्या वो न्यूमेरिक डेटा है, तो वीबीए अपने आप उसको कंक्लूड कर लेता है, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे मैं इसको दूंगी वेरिएंट, बी को भी हम देंगे वेरिएंट और सी को भी हम देंगे वेरिएंट। पहले इसका यूज समझते हैं। तो मैंने इसको कोड को डीबग किया। तो देखिए, यहाँ पे ए बी सी वेरिएबल्स डिक्लेयर हो चुके हैं और उनकी जो टाइप है दैट इज वेरिएंट। तो जैसे ही मैंने इसमें F8 प्रेस किया, ए में वैल्यू आ चुकी है लर्नर्स, और इसने वेरिएंट के साथ क्या लिख दिया, स्ट्रिंग। अब वीबीए ने खुद से डिसाइड कर लिया कि लर्नर्स क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो आगे बढ़ते हैं, बी में एकेडमी चला गया तो उसने भी देखा कि ये क्या है, स्ट्रिंग है। सी में उसने दे दिया लर्नर्स एकेडमी इकट्ठा करके, और उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास आ गया है लर्नर्स अकेडमी। तो स्ट्रिंग के लिए तो हमारा ये कोड बिल्कुल सही चला है। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट उसकी, जब हम यहाँ पे वैल्यूज देंगे। अब मैंने वैल्यू दे दी यहाँ पे 20, यहाँ पे दे दी है 25, और इसको करते हैं डिलीट। तो अब देखते हैं कि क्या वेरिएंट डेटा टाइप यहाँ पे भी काम करेगा। दोबारा से इसको डीबग करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखिए,
ए में वैल्यू आ गई है 20, लेकिन उसने टाइप क्या दे दी उसकी, डबल, क्योंकि डबल में आपका डेसिमल वैल्यू भी जाती है, आपका होल नंबर भी जाता है। तो वीबीए ने उसको 20 देखकर वो समझ गया कि या तो कोई डेसिमल वैल्यू होगी इसमें या फिर कोई होल नंबर, कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसने उठा के डबल दे दिया। नेक्स्ट देखते हैं, 25 में भी जो टाइप है वो डबल आ चुकी है। और यहाँ पे देखिए इस डेटा टाइप की खूबसूरती, इसने हमें रिजल्ट दिया है 45। तो देखिए एक सिंगल प्रोग्राम की हेल्प से अब हम टेक्स्ट को भी ज्वाइन कर पा रहे हैं और अगर आपका न्यूमेरिक डेटा है उसको भी ऐड कर पा रहे हैं। तो ये किसकी हेल्प से हुआ? विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप वेरिएंट। तो वेरिएंट जो है बहुत ही पावरफुल डेटा टाइप है वीबीए का, लेकिन पावरफुल होने के साथ इसका एक नुकसान भी है कि इसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं। प्रोग्रामर इसको तब यूज़ करता है जब वो ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि प्रोग्राम में मैं कौन सा डेटा टाइप यूज़ करूँ। अब रीज़न क्या है कि वेरिएंट को हम बहुत कम यूज़ करते हैं? क्योंकि वेरिएंट जो है बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है दूसरे डेटा टाइप के कंपैरेटिवली। अगर वेरिएंट में आपकी वैल्यू जा रही है कोई नंबर, जैसे हमने 20 25 दे दिया, तो ये 16 bytes ऑक्यूपाई करेगा फॉर अ सिंगल नंबर। और वहीं हम बात करें, अगर वेरिएंट में कोई करेक्टर या फिर आप टेक्स्ट दे रहे हैं, स्ट्रिंग दे रहे हैं, तो वहाँ पे ये ऑक्यूपाई करता है 22 bytes। तो ये बहुत ही बल्क में मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। तो ये नुकसान है वेरिएंट को यूज़ करने का। तो अगर आप ऐसे, जैसे यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 3 variables ही बनाए हैं वेरिएंट, अगर आप 50 60 variables बना देते हो एक प्रोग्राम में, तो आप सोच सकते हैं कि मेमोरी कंजम्पशन कितनी होगी। तो इसी वजह से प्रोग्रामर्स इसको कम से कम यूज़ करते हैं। ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे बिल्कुल ही कोई और ऑल्टरनेटिव हमारे पास नहीं होता, तो हम डेटा टाइप को एज अ वेरिएंट डिक्लेयर करते हैं। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आज की वीडियो ये अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस। Thank you.